welcome to my channel everyone. I'm Manju or you are watching your useful educational channel easy for education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक और न्यू अपडेट न्यू लेसन लेके. 139 नॉइस पोल्यूशन जो कि न्यू अपडेट है बुक 2 इंटरमीडिएट 11 में. सो मैं इस लेसन के बारे में आपको सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ. सो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उसी के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. और स्टूडेंट्स एंड लर्नर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. आज की वीडियो में लेसन नंबर 39 नॉइस पॉल्यूशन में पॉइंट ए में देखिए, डिस्कस विद योर पार्टनर द वे टू रिड्यूस देम. बेसिकली आपको नॉइस पॉल्यूशन के बारे में हाउ अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना है और एक नोट पैड लेके अपने साथ में जो कि आप लेके जाते हैं फिर इंस्टीट्यूट में उसमें राइट डाउन करना है. ठीक है, पहले यहाँ देख लीजिए. फर्स्ट टेबल में आप देखिए नॉइस से रिलेटेड दिए गए लाउड टीवी वॉल्यूम, हॉर्न्स, लाउड स्पीकर, ट्रैफिक साउंड्स एंड स्ट्रीट हॉकर्स, इन सब के ये नॉइस पोल्यूशंस हैं. इनके बारे में आपको यहाँ इट्स इफेक्ट्स इनसे क्या होते हैं और वे टू रिड्यूस इट. ओके, इससे इफेक्ट्स क्या होंगे नॉइस पोल्यूशन से और रिड्यूस कैसे करना है. सो ये आपको मैं आपके साथ डिस्कस करवानी हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स लर्नर्स. चलिए मैंने आपके लिए छोटा सा डायग्राम तैयार किया है ताकि आपको समझने में और ज़्यादा इजी हो. नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट्स, ओके, परमानेंट हियरिंग लॉसेस भी हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, लेबर्ड ब्रीथिंग भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ऑल्टर ब्रेन केमिस्ट्री, कोई डिजी है वो हो सकती है, इंक्रीज इन क्राइम में भी कोई जा सकता है एंड परमानेंट डैमेज टू द वॉइस. ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं. मैंने अपने वे में सर्च करके आपको बताया और आप भी सर्च कर सकते हो अपनी लर्निंग से जैसे कि मैंने आपको बताया. ठीक है, ये कुछ इफेक्ट्स है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे. ओके, और अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा. ओके लर्नर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट्स के बारे में जाना, किस किन किन प्रकार के होते हैं, अब हम जानेंगे हाउ टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन. ओके, आपकी दोनों सोल्यूशन इफेक्ट्स एंड रिड्यूस मैंने आपके लिए डायग्राम तैयार किया. आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी. चलिए, क्योंकि मैं इसलिए इस तरह से आपको समझा रही हूँ डायग्राम बना के ताकि अगर आपके पास वो वर्ड नहीं है कैसे आपको लिखना है बोलना है सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. और लिखा भी है, आप इसको पढ़ के भी ईजिली कर पाओगे और मैं आपको बोल के भी बता देती हूँ. ओके, टर्न ऑफ अप्लायंस एट द होम एंड ऑफिसेस, शट द डोर व्हेन यूजिंग नॉइजी मशीन्स, यूज ईयरप्लग्स, लोअर द वॉल्यूम, स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी एरियाज, फॉलो द लिमिट्स ऑफ नॉइज लेवल्स, कंट्रोल नॉइज लेवल नियर सेंसिटिव एरियाज, गो ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज. सो दोस्तों, ये कैसे आपको रिड्यूस करना है नॉइस पोल्यूशन, कुछ वे दिए गए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो और इस लेसन से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं. ओके, अगर इसमें कुछ डाउट्स हो जो मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा. ऑलराइट, सो मैं आगे के लिए और ज़्यादा अपने आपको इम्प्रूव करूँगी क्योंकि मैं भी आपकी तरह लर्नर्स हूँ, आपको भी सिखाती हूँ, खुद भी सीखती हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं और सीखने की कोशिश करती हूँ ताकि आप तक करेक्ट नॉलेज आप तक मैं पहुँचा सकूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैंने आपके लिए और चीज़ भी तैयार रख रखी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नॉइस पोल्यूशन डेफिनेशन स्टार्टेड. डेफिनेशन में नॉइस पोल्यूशन इज डिसप्लीजिंग ह्यूमन एनिमल्स और मशीन क्रिएटेड साउंड दैट डिस्टर्ब द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ. ओके, ये आपका हो गया डेफिनेशन. अब आ जाते हैं नॉइस पोल्यूशन कॉजेज बाय ट्रैफिक नॉइस, एयरक्राफ्ट नॉइस, नॉइस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स,
नॉइस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज, नॉइस फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, ये आपके कॉजेज हो गए आपके कहाँ से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होते हैं और इसके इफेक्ट क्या है, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस और है, ओके। नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट्स, हियरिंग लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, कलर ब्लाइंडनेस, सो ये कॉजेज सॉरी इफेक्ट्स हो सकते हैं। आई होप इस जो मैंने आपको मैं बता रही हूँ सिखा रही हूँ ये आपको यूज़फुल लगेगा आपकी लर्निंग में, अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट्स है और अगर आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, स्टूडेंट्स लर्न पॉइंट बी में, मेक क्वेश्चन फ्रॉम द इमेज, आपको ये इमेज देख के क्वेश्चन बनाना ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। सो आपको मैं थोड़े हिंट दे सकती हूँ, ओके, What happening there? WHF family आपको use करनी है। What happened here? What's the doctor are doing? Why he's lying down? Okay, so ये बहुत easy है, आप तो सब students and learner बहुत intelligent है, ये तो बहुत easy question है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बोल के बताया है, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको जो मैंने कुछ टेबल्स बनाए जो आपके लिए क्रिएट किया थोड़ा इंटरेस्टिंग लगाओ यूज़फुल लगाओ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिख के बताइएगा, और कोई भी मिस्टेक्स हुई हो वो भी लिख के बताइएगा ताकि मैं अगली बार उसको इम्प्रूव करूँ। और वॉइस को लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है, मैम आपकी वॉइस में, तो उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसी वजह से मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती थी, और म्यूज़िक साउंड, क्योंकि मैं न्यू क्रिएटर थी उस समय, न्यू वीडियोस बना रही थी, तो जब हम कुछ चीज़ नहीं सीखते तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है। अब मैंने अपनी वॉइस को भी प्रूफ किया है, ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, और ये लेसन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं चलती हूँ अब और न्यू लेसन के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।